हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में। जैसा कि कल और परसों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का आरआरबी क्लर्क प्री का एग्ज़ाम है, तो जिनका भी कल या परसों में एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप सभी की बहुत अच्छी तैयारी भी हो गई होगी। आज अच्छे से रेस्ट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 7 अगस्त में क्या एग्ज़ाम आया था, क्या स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट रहे थे, इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि जितना फ्री माइंड से, जितना बिंदास होकर आप एग्ज़ाम देंगे, आपका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा रहेगा। कभी कभी होता क्या है, किसी किसी एग्ज़ाम में हम थोड़े से कम अटेम्प्ट रह जाते हैं या किसी क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि तैयारी नहीं थी इसलिए हमारे अटेम्प्ट कम रहे या किसी क्वेश्चन में हम फंस गए। एग्ज़ाम का प्रेशर, खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो, ये भी एक वजह रहती है। इसलिए बिना प्रेशर से आपको एग्ज़ाम देना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम के पहले आपको कोई भी टारगेट सेट नहीं करना है कि हमको इतने अटेम्प्ट करने ही हैं। जो भी शिफ्ट में आरआरबी क्लर्क प्री का लेवल रहेगा, देखो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट आपने लगाए हैं, हर लेवल के मॉक टेस्ट आपने लगाए हैं, जब आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे ना, उसके बाद आपको लेवल भी समझ आ जाएगा कि आपकी शिफ्ट में क्या लेवल रहा है। बस एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए जो भी लेवल रहेगा, अगर आपके जितने भी अटेम्प्ट होंगे, मैं खुद कह रहा हूँ, उतने में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। इसलिए एक्यूरेसी का आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी एग्ज़ाम के लेवल को समझना है कि क्या लेवल आपकी शिफ्ट में आया है। बाकी बिंदास होकर एग्ज़ाम दीजिए, और जिनका एग्ज़ाम है कल या परसों में, एक बार और सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।